हेलो स्टूडेंट्स, हम हमारे चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन में अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो हमारी नेक्स्ट थियरी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ये जो थियरी है वो 3 मार्क्स में IMP है। ये जो थियरी है वो 3 मार्क्स में IMP है। यहाँ पे आपका जो टाइटल है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, एंड इसी का दूसरा पार्ट है बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, तो ये दोनों जो अलग अलग थियोरी हमें सीखनी है अभी, वो 3 मार्क्स में दोनों थियोरी IMP है। तो अच्छे से यहाँ पे ध्यान देना, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं अभी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, उसका इक्वेशन हम सीख चुके हैं, विच इज जी इज इक्वल जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। दिस इक्वेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, ये थियरी हम सीख चुके हैं, और इसी का यूज करके हम अबव दी सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करेंगे। क्लियर? सो पहले हम यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। उसकी फिगर एकदम इजी है, और फिगर पे से ही हमें पूरी इक्वेशन और जो कुछ भी वर्ड में लिखना है वो फिगर पे से ही लिखेंगे। क्लियर? सो हियर इज अवर अर्थ एंड दिस इज द सेंटर ऑफ दी अर्थ। नाउ दिस डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस टू दी सेंटर ऑफ अर्थ, विच इज रेडियस ऑफ दी अर्थ, डिनोटेड बाय आर ई। क्लियर? नाउ वी फाइंड दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबोव दी सरफेस ऑफ अर्थ। हाउ मच एबो, कितनी एबो मीन्स हाइट पे, कुछ हाइट पे। तो कितनी हाइट पे हम यहाँ पे टेक करेंगे, लाइक एच जितनी हाइट, कितनी, तो एच जितनी हाइट पे, मान लो ये इतनी एच जितनी हाइट पे, एट हाइट एच देर आर पॉइंट मास एम विल बी स्टेडी। ओके, हियर इज दी पॉइंट मास एम इज स्टेडी। सो वी कैन से दैट द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट मास एम टू द सेंटर ऑफ अर्थ, विच इज क्या मिलेगा हमें, तो आर ई प्लस एच, क्योंकि इतना तो उसका रेडियस है ही, उसमें एच जितनी हाइट हो गई, राइट, एड हो गई, तो ये टोटल डिस्टेंस आपको क्या मिलेगा, आर ई प्लस एच। दूसरा, अगर ये पॉइंट मास एम हमने टेक किया है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है, तो उस पे ये अर्थ जो है जिसका मास हम लेंगे एम ई, तो यहाँ पे उसका मास ज्यादा है, राइट, एम ई का यानी अर्थ का, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हो गए, अर्थ और ये पॉइंट मास, तो अर्थ जो है वो किस पे फोर्स लगाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो पॉइंट मास पे, और ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से हम आगे इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो अभी हम उसको वर्ड में लिख लेते हैं। क्लियर? जितनी हमने फिगर बनाई है उतनी हम वर्ड में लिख लेते हैं। सो एकदम इजी फिगर है, ड्रॉ द सर्कल ऑफ फिगर ऑफ अर्थ। नाउ टेक रेडियस एंड गिव हाइट विच इज, ड्रॉ सम लाइन एंड पुट द पॉइंट मास एम। ओके, और यहाँ पे कुछ डिस्क्राइब नंबर जैसे लिख लो, कैपिटल लिख लो। क्लियर? तो आपकी फिगर हो गई। चलो, तो कंसिडर लिख रहे हैं हम, कंसिडर अ पॉइंट मास, अ पॉइंट मास एम एम इज एट अ हाइट एच, इज एट अ हाइट एच अबव दी सरफेस ऑफ दी अर्थ। कंसिडर अ पॉइंट मास एम, अ पॉइंट मास एम इज एट अ हाइट एच, एट अ हाइट एच अबव दी सरफेस ऑफ अर्थ एज शोन इन दी फिगर। क्लियर? नाउ नाउ द रेडियस ऑफ द अर्थ, the radius of the earth, the radius of the earth
is R E. And the radius of the earth is R E, and the total distance from the center of the earth to the point mass M, right? So what is the total distance between center of mass to the point mass M is Re plus H, and the total distance between center of earth to the point mass M is Re plus H. क्लियर? तो इतना हमने फिगर पे से लिख लिया है. क्लियर? चलो नाउ व्हाट हैपन, फिगर ड्रॉ कर ली, वर्ड्स पे वर्ड्स के हिसाब से लिख लिया फिगर पे से ही. अब क्या होगा? सी द पॉइंट मास M एंड द अर्थ मास इज एम ई. हियर इज टू मासेस आर अफेक्टेड टू ईच अदर, राइट, विद द ग्रेविटेशनल फोर्स. सो हियर इज वी कैन राइट नाउ, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अफेक्टेड ऑन द पॉइंट मास एम ड्यू टू अर्थ, राइट, तो हम वो लिखेंगे यहां पे. तो इफ फोर्स डिनोटेड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, इफ द एफ ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम हाइट एच, सॉरी एच जितनी हाइट पे, इफ एफ एच डिनोटेड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द पॉइंट मास on the point mass m by the earth. So if the fh denoted the magnitude of the force, fh yani ki force at height h, which is denoted the magnitude of force on the point mass, on the point mass m by the earth, kyunki do पार्टिकल यहाँ पे आ गए हैं और तो दो पार्टिकल है तो उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कंपलसरी लग सकता है. ओके, तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे लिख रहे हैं इक्वेशन. सो दिस फोर्स इज, सो एफ एच इज इक्वल द ग्रेविटेशनल फोर्स इज, इक्वेशन आपको पता है ना ग्रेविटेशनल फोर्स का, विच इज एफ इज इक्वल जी. किसके बीच में लग रहा है फोर्स? तो मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ पॉइंट मास. क्लियर? तो जी एम ई इंटू एम बाय द टोटल डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पार्टिकल, विच इज आर ई प्लस एच होल स्क्वायर. क्लियर? इक्वेशन नंबर वन. नाउ सी हियर फिगर. अब दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट, तो यहाँ पे एच जितनी हाइट पे है. अब आप इमेजिन करो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको आप थ्रो करो ऊपर, तो वो फाइनली आएगा कहाँ पे? तो नीचे ही आएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट. तो वो फोर्स तो लग रहा है, फोर्स की वजह से वो नीचे आया है, राइट. तो उसको नीचे आया फोर्स लगा, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट वो मोशन में आ गया, राइट. समझ में आ रहा है? किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप फोर्स दोगे, किसी भी लाइक दिस ये ऑब्जेक्ट है, इसको आप फोर्स दोगे तो स्टेडी में से वो मूविंग कंडीशन में आ सकता है, राइट. तो यहां पे भी ग्रेविटी, अर्थ की जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लग रहा है, जिसकी वजह से वो नीचे की ओर आने की ट्राई करेगा, विच इज ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, विच इज बाय द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. तो यहां पे क्या मिलेगा उसको? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. ओके, इफेक्ट ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स. सो वी कैन राइट हियर
मतलब समझ में आया कि जैसे ही वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा और वापस नीचे आने की ट्राई करेगा तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स तो उस पर लग ही रहा है, लेकिन वो ऊपर ऊपर से नीचे आने की जो कंडीशन है, मोशन की कंडीशन, विच इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, राइट? तो हम यहाँ पे लिखेंगे जिस फोर्स की वजह से द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय द पॉइंट मास, नाउ द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय दी पॉइंट मास एम इज हाउ मच, तो क्या मिलेगा आपको? तो स्टेडी में से मूविंग कंडीशन में आया, दैट मीन्स विच लॉ आर अफेक्टेड, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज हियर, वी कैन राइट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे साइड आएगी आपको, राइट? तो विच इज एफ एच इज इक्वल एम ए, बट ए एक्सेलरेशन हमको मिल रहा है किस फॉर्म में? तो ग्रेविटेशन फॉर्म में मिल रहा है, ग्रेविटी के फॉर्म में मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी एच, क्लियर? सो एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय दी पॉइंट मास एम इज एफ एच इज इक्वल एम जी एच, वेर मेक सब्जेक्ट जी एच, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी हमें फाइंड करना है, राइट? हमारा टॉपिक ही है तो उसको सब्जेक्ट बनाओ, तो हमें मिलेगा एफ एच बाय एम, राइट? एफ एच बाय एम, इक्वेशन नंबर 2। ना अब तो आपको पता ही चल गया, अब हम स्टेप बाय स्टेप ही जाएंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन हमें मिल गया है। फर्स्ट इक्वेशन जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो उसमें ग्रेविटी जनरेट होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जनरेट होती है, वो हमें मिल चुका है। अभी उसको हम, हमारे पास एफ एच की वैल्यू है, तो उसकी वैल्यू हमें इस इक्वेशन में रखेंगे। सो पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन नंबर 2, देन वी गेट जी एच इज इक्वल, क्या मिलेगा हमें? एफ एच यानी जी एम ई इंटू एम, जी एम ई इंटू एम बाय आर ई प्लस एच होल स्क्वायर डिवाइड बाय एम, मतलब यहाँ पे इंटू एम, क्लियर? तो क्या मिलेगा आपको फाइनल यहाँ पे? तो एम एम कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा देखो, तो जी एम ई डिवाइड बाय आर ई प्लस एच होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। चलो ये तो मिल गया हमें जी एच, राइट? जी एच इज इक्वल जी एम ई बाय आर ई प्लस एच स्क्वायर, उसी के हिसाब से मिल रहा है, राइट? अब देखो अब क्या करना है हमें। तो हमारा टाइटल है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबोव द सरफेस ऑफ द अर्थ, राइट? अबोव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब ये जो हमें इक्वेशन मिला है वो तो हमने डायरेक्टली सेंटर के हिसाब से लिया था, डिस्टेंस की सेंटर के हिसाब से डिस्टेंस आया है ये तो, राइट? हमें तो सरफेस के हिसाब से लाना है। सी हियर, हमारा टाइटल है अबोव द सरफेस ऑफ द अर्थ, यहां से यहां तक का, राइट? ये सेंटर भी हमने ऐड किया है तो वो हमें निकालना है, राइट? तो उसके लिए हमें आगे बढ़ना है इसमें। तो अब देखो अब हम क्या करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आ गए हैं जी एच इज इक्वल जी एम ई बाई आर ई प्लस एच स्क्वायर, राइट? तो अब हम इक्वेशन बनाएंगे, तो जो हमारी फिगर है उसके हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे हमारी फिगर देखो, तो हमें जो अभी इक्वेशन मिला है वो टोटल डिस्टेंस के हिसाब से मिला है, हमें अबोव द सरफेस यहां से यहां तक का डिस्टेंस के हिसाब से ग्रेविटी चाहिए, राइट? तो उसके लिए अब हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ का इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, राइट? तो वो हम अभी यूज करेंगे यहाँ पे।
So now the acceleration due to gravity on the surface of the earth is, अब ये जो थियरी है, ये जो इक्वेशन हम ऑलरेडी आगे की थियरी में डिराइव कर चुके हैं, वो है जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी आर के हिसाब से लिख रहे हैं यहाँ पे. ओके, सरफेस ऑफ अर्थ तो वो सेंटर के हिसाब से भी आ ही जाएगा यहाँ पे, राइट. तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो आर इज इक्वल, इक्वेशन किसी को पता है, जी आगे हमने शुरुआत में ही हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है, एम ई बाय आर ई स्क्वायर. इक्वेशन नंबर कितना आता है, 4. क्लियर. नाउ व्हाट, हियर इज द टू इक्वेशन वी हैव, जी आर ई इज इक्वल जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर, विच इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, एंड हियर इज जी एच इज इक्वल जी एम ई बाय आर ई प्लस एच स्क्वायर. हियर इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द हाइट एच विथ रेडियस, राइट. ओके, टोटल डिस्टेंस करके लिया है, हमें चाहिए अबोव द सर्फेस ऑफ अर्थ, यहां से यहां तक का. तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 जो है उसका हम रेशियो टेक करेंगे, क्योंकि दोनों पे से ही हमें मिलेगा, राइट. तो नाउ टेक रेशियो ऑफ इक्वेशन नंबर 3 and 4, क्लियर, 3 and 4. सो व्हाट हैपन, जी एच डिवाइड बाय जी आर ई इज इक्वल, या फिर यहां पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिवाइड इक्वेशन नंबर 4 विथ इक्वेशन नंबर 3, क्लियर. हियर इज जी एच, यानी जी एच की वैल्यू क्या है, जी एम ई बाय आर ई प्लस एच होल स्क्वायर मल्टीप्लाई, रेशियो टेक कर रहे हैं, और जी आर ई की वैल्यू क्या है, तो जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर, तो आर ई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आएगा, जी एम ई, क्लियर. सो हियर इज जी एम ई कैंसल, देन वी गेट जी एच बाय जी आर ई इज इक्वल आर ई स्क्वायर बाय आर ई प्लस एच स्क्वायर. चलो ये इक्वेशन मिला, इक्वेशन नंबर 5, क्लियर. नाउ व्हाट, अब हम क्या करेंगे, तो ये जो है यहाँ पे आर ई प्लस एच टर्म है, जिसमें हमें ध्यान से सुनना, एच जो है हाइट जो है उसको हम आर ई के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे. ओके, यहां पे ध्यान से देखना कि नाउ मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर ई विथ एच, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ बाय आर ई विथ एच, देन वी गेट व्हाट, जी एच बाय जी आर ई इज इक्वल आर ई स्क्वायर बाय इन ब्रैकेट आर ई प्लस एच इंटू आर ई मल्टीप्लाई विथ एच एंड डिवाइड विथ एच, क्लियर, होल स्क्वायर, क्लियर. चलो तो अब यहां पे देखो, आर ई स्क्वायर तो है ही, यहां पे आर ई स्क्वायर ऊपर तो रहेगा ही, बट नीचे क्या होगा, अब हम कॉमन निकालेंगे यहां से, तो आर ई और आर ई कॉमन करके निकालो, तो ये आर ई स्क्वायर निकल गया यहाँ पे, और यहाँ पे ब्लैंक हो गया, तो हम वो लिखेंगे 1 प्लस एच डिवाइड बाय आर ई,
होल स्क्वायर। या फिर आप अलग स्टेप भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की बजाय डायरेक्टली आप आर ई को कॉमन निकालो और एच के साथ डिवाइड कर लो, राइट, और दूसरे आर ई को एच के साथ डिवाइड कर लो, फिर भी आपका राइट रहेगा। क्लियर? तो ये इक्वेशन आपको मिलता है यहाँ पे, देन आर ई स्क्वायर बाय आर ई स्क्वायर कैंसल, तो हमें यहाँ पे मिलेगा जी एच बाई जी आर ई इज इक्वल वन बाय, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं बचा, वन प्लस एच बाय आर ई स्क्वायर। क्लियर? तो ये इक्वेशन हमें मिला है यहाँ पे। चलो अब क्या करेंगे ना, हियर इज द जी एट हाइट एच एंड जी आर ई एट सेंटर ऑफ सॉरी सरफेस ऑफ द अर्थ, सेंटर के हिसाब से है, रेडियस के हिसाब से। तो नाउ टेक जी आर ई इज इक्वल जी, नाउ टेक जी आर ई इज इक्वल जी सरफेस ऑफ द अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, तो वो हम ले लेंगे जी। तो पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन एंड मेक दिस ऑब्जेक्ट ऑफ जी एच, सो जी एच इज इक्वल क्या मिलेगा आपको, वन बाय वन प्लस एच बाय आर ई स्क्वायर इंटू जी। क्लियर? डायरेक्ट हमने लिख लिया है यहाँ पे, आप ये जी करके एक स्टेप और भी लिख सकते हो या फिर आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? चलो ये हो गया। अभी देखो तो यहाँ पे ये इक्वेशन मिल गया आपको। अभी देखो तो ये जो जी मल्टीप्लाई में है और ये वन प्लस एच बाय आर ई जो पूरे होल स्क्वायर है, ये उसको हम ऊपर लेके जाते हैं यहाँ पे, ये जो नीचे डिवाइड टर्म है तो उसको हम ऊपर लेके जाते हैं, तो क्या होगा, सो जी एच इज इक्वल क्या होगा, ये जी तो है ही, मल्टीप्लाई वन प्लस एच डिवाइड बाय आर ई, तो ये स्क्वायर प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहां पे। क्लियर? चलो अभी जी एच इंटू जी एच इज इक्वल जी, अब यहां पे देखो वन प्लस एच बाई आर ई, तो वन का वन तो रहेगा ही, वन प्लस अब एच जो है तो उसके साथ ये माइनस टू मल्टीप्लाई होगा, राइट, तो माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहां पे टू एच, ओके, प्लस माइनस माइनस, तो यहां पे आपका क्या रहेगा, माइनस रहेगा। क्लियर? टू एच डिवाइड बाई आर ई, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, वो एक्स रेस टू एन वाला इक्वेशन यूज होता है, राइट, तो आप समझ गए होंगे जी वन प्लस, ऐसे एग्जाम्पल हमने पहले भी काउंट किए थे, राइट, तो जी एच इज इक्वल जी वन माइनस टू एच बाय आर ई, तो ये जो इक्वेशन है वो आपका फाइनल इक्वेशन है। सो दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबोव द सरफेस ऑफ एच सरफेस ऑफ द अर्थ विच इज जी वन माइनस टू एच बाय आर ई, इक्वेशन नंबर आता है आपका सिक्स, एंड दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ दिस थियोरी, राइट, एंड ऑल्सो दिस थियोरी इज आई एम पी फोर 3 marks, एंड ऑल्सो दिस इक्वेशन इज आई एम पी फोर 1 marks, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये इक्वेशन पूछा जाता है। क्लियर? गिव द इक्वेशन ऑफ अबोव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबोव द सर्फेस ऑफ अर्थ। क्लियर? तो आपको अच्छे से समझना है, पढ़ना है, नोट्स बनानी है और उसके हिसाब से प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? थैंक यू।